मैं मुबारकबादी पेश करूंगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और खुसूसी तौर पर मोहम्मद दौलत खान और उनके घरवालों को कि जिन्होंने शादी के मुबारक मौके पर आम रीति रिवाजों से हटकर मदीने वाले के जिक्र की महफिल का अहतमाम किया। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कोई मुरीद सरकार महमूद शाह जीलानी का हो फिर शादी के मौके पर उस बंदे से ऐसी महफिलों ही की उम्मीद की जाती है, इसलिए कि आप सीरत पढ़े सरकार महमूद शाह जीलानी की, आज ही मैंने पढ़ा कि एक मर्तबा इकबालगढ़ कोई जगह है, मूसा नाम का उनका कोई मुरीद था, उनके घर पर हजरत का शादी की तकरीब में जाना हुआ। जब वहां पहुंचे तो देखा गाने बजाने वाले आए हुए हैं, गीत वीत गाने का अहतमाम किया जा रहा है, तो इरशाद फरमाया अगर इन खुराफातों से तुम अपने आप को दूर नहीं रखते हो तो हम इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। हुआ यूं, अब पीर ना आवे महफिल के अंदर या शादी की तकरीब में पीर ना आवे, पीर ना आवे तो फिर बरकतें कहां से मिलने वाली है। तो उसी वक्त सबको जो नाचने कूदने गाने वाले थे उस मुरीद ने अपने घर से उन्हें दूर कर दिया और फिर शरीयत के दायरे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को निगाहों के सामने रखते हुए वो शादी की तकरीब पाए तकमील तक पहुंची। तो जो उनसे अकीदत रखने वाला हो, उनसे मोहब्बत रखने वाला हो, उनकी गुलामी कदम भरने वाला हो, फिर शादी के मौके पर उस बंदे से उम्मीद ऐसी महफिलों ही की जाती है। खैर परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।